प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और खासतौर से नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस वालों को मोदी से इतनी नफरत हो गई है कि वो मोदी को मारने तक के सपने देखने लग गए हैं। कांग्रेस की भी मुझ पर बहुत कृपा है। मैंने सुना कांग्रेस के एक बयान बहादुर मुंहफट ने यहां आकर कहा है कि मोदी को ऐसा छक्का मारो कि सीमा पार मरे। ये कांग्रेस के नेता का बयान है। सोचिए कांग्रेस वालों को आपके मोदी से इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई है कि वो मोदी को मारने तक के सपने देखने लगे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि मोदी की तरफ से मध्य प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता बैटिंग कर रही है। अब कांग्रेस वालों को बताना चाहिए कि वो टिक्की टीम से खेल रहे हैं, भारत की टीम से या पाकिस्तान के सरपरस्तों की टीम से। भाइयों और बहनों, अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस गलत लाइन लेंथ पर बॉल डाल रही है, नो बॉल डाल रही है, तो ये आपका भ्रम है। ये कांग्रेस पूरी तरह एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कर रही है। इनके ढकोसला पत्र को, जिसको वो मैनिफेस्टो कहते हैं, उस ढकोसला पत्र को उठाकर देखिए। कांग्रेस कहती है जम्मू कश्मीर से सेना हटनी चाहिए, सैनिकों को मिला विशेष अधिकार आफा भी हटना चाहिए। कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। साथियों, जिस पार्टी ने देश पर इतने साल राज किया, वो किस तरह देश विरोधी हरकतों पर उतर आई है, आप भी देख रहे हैं।